हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओडिशा की एक पीठा रेसिपी आपसे शेयर करूंगी जो सूजी से बना होता है। ओडिशा में इसे सूजी का कांकरा या सूजी पीठा बोलते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इसे कैसे बनाते हैं देखते रहिए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में पानी गर्म करना है, तो जितना भी आप सूजी ले रहे हैं उससे दोगुना पानी गर्म कीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 कप सूजी ले रही हूँ, इसीलिए मैं 6 कप पानी गर्म कर रही हूँ। पानी को गर्म होने देंगे और स्टफिंग के लिए हम देख लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने नारियल का यूज किया है, उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डालूंगी और 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं। स्टफिंग को रख देते हैं साइड में। पानी भी गर्म हो चुका है, उसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट डालेंगे और 1 कप चीनी डालेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए तब उसमें डालेंगे सूजी। एक हाथ से सूजी को चलाते रहिएगा और दूसरे हाथ से सूजी को डालते रहिएगा, नहीं तो यहाँ पर लम्स पड़ जाएंगे। अब सूजी का पानी सूखने तक इसे बराबर चलाते रहिएगा। अगर इसे बराबर से नहीं चलाया जाए तो ये नीचे से भी चिपक सकते हैं। उड़ीसा में जब भी कोई व्रत या त्यौहार या पूजा होता है उसमें सूजी का पीठा बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे व्रत में भी बना सकते हैं। अब सूजी का पानी सूख गया है और ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसे ठंडा करना है 1 या 2 मिनट के लिए, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो तेल को अच्छे से हाथ में लगा लीजिए ताकि ये हाथों में ना चिपके, क्योंकि गर्म है। थोड़ा सा सूजी लेंगे, उसे राउंड शेप दे देंगे, साइड में से उसे फैलाते जाएंगे और बीच में स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए, इसी तरह से आप स्टफिंग भर लें और उसे अच्छे से सील कर लें। सील करने के बाद एक बार फिर से उसे राउंड शेप दे देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये अब तलने के लिए तैयार है। इसी प्रोसेस में आप सारे पीठा को तैयार कर लीजिए। मैंने सारे पीठा तैयार कर लिया है, तो चलते हैं इसे तलने के लिए। तो तेल को मैंने अच्छे से गर्म किया है। सूजी का पीठा बनाने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करना ज़रूरी होता है। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखना है। तो एक एक करके सारे पीठा हम इसमें डालते जाएंगे और उसे पकाएंगे सुनहरा होने तक। आप इसे मीडियम फ्लेम में पकाएं ताकि अंदर से ये अच्छे से पक सके। तो इसे सुनहरा होने तक पकाएंगे और सुनहरा होने पर इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसे ठंडा या गर्म खा सकते हैं। सूजी का पीठा बनकर तैयार है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ये ज़्यादा भी मुश्किल काम नहीं है। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगा। रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।